नमस्कार, आप देख रहे हैं डेक्स 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। नई संसद भवन को लेकर के जो चर्चा इन दिनों चल रही थी, उस चर्चे को लेकर के आज हम एक खास रिपोर्ट आपके साथ साझा करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त खुश हैं या फिर ना खुश हैं। यहाँ पर हम आप सभी को बताते चले कि नए संसद भवन का उद्घाटन है और उसको लेकर के काफी ज्यादा बवाल जो है वो मच चुका है और इस बवाल के बीच में पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम खुल करके सामने आ रहा है। विपक्ष लगातार उनसे मांग कर रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो है संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों ही होना चाहिए। वो इतने बड़े कुर्सी पर बैठी हैं जहां से वो पूरे देश को संभालने का काम कर रही है, तो क्या उनके हाथ में ये कर्तव्य नहीं होना चाहिए था कि वही संसद भवन का उद्घाटन करती। देखिए, विपक्ष की तरफ से जो भी आरोप लग रहे हैं उन आरोपों को लेकर के हमने काफी चर्चा कर लिया। अब चलिए नए संसद भवन को लेकर के अब बात करते हैं कि उसके विरोध में जाकर के क्या यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी या फिर उनको जो है उनकी तरफ से कोई समर्थन इस संसद भवन के लिए है इस वक्त या फिर नहीं है। नए संसद भवन के उद्घाटन का न्योता सभी सांसदों और देश के प्रमुख नेताओं को भेजा गया। इनमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी पूर्व अध्यक्ष और सभापति, राज्यों के मुख्यमंत्री और दोनों सदनों के सांसद शामिल है। निमंत्रण पत्र भौतिक और डिजिटल दोनों प्रारूपों में भेजा गया है। इसके अलावा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवों को भी निमंत्रण भेजा गया है। उद्घाटन समारोह के लिए नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार विमल पटेल और प्रतिष्ठित उद्योगपति रतन को भी आमंत्रित किया गया है। फिल्मी सितारों और खिलाड़ियों सहित कुछ प्रमुख हस्तियों को भी इस ऐतिहासिक मौके पर आमंत्रित किया गया है। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन अवसर पर शुभकामना संदेश जारी करने की संभावना है। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि उद्घाटन के दिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक बधाई संदेश देंगे। विपक्ष ने हाल ही में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराने पर शीर्ष संवैधानिक पदों का अपमान करने का आरोप लगाया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े चेहरों को बुलाने की तो बात हुई है, लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू को लेकर के अभी तक कुछ भी साफ बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सच में विपक्ष जो सवाल उठा रही है वो सही है? क्या देश की राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग से आती है, इसी वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो यहाँ पर अब अपने मुद्दों को लेकर के क्या यहाँ दिखाई देगी, क्या वो अब अपना आवाज़ उठाने का काम करेगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुर्मू की तरफ से समर्थन तो है, वो नाराज नहीं है, इस बात का बिल्कुल साफ जो चेहरा है वो हमें देखने को मिल चुका है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और कुछ क्लैरिटी भी आपको जरूर मिली होगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।